The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, dosto, kaise hain aap? Dosto, sar pe khujli hone ka problem bahut hi common hai. किसी को डैंड्रफ है, किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन है, किसी को सिकरी है, किसी को स्काल्प में रैशेस है, एलर्जिक रिएक्शन, सर पे खुजली बहुत लोगों को होती है. गर्मी में पसीना आ गया, नहाए नहीं, सर पे कोई एक्सरसाइज कर ली, सर पे खुजली. सो बहुत रीजन, सीबोरिक डर्मेटाइटिस से लेके एक सिंपल डैंड्रफ तो सभी को ऑलमोस्ट होता ही रहता है. तो सर पे खुजली के बहुत सारे कॉमन कारण हैं, और लोगों का जो एस्पेक्ट होता है, ज़्यादातर लोग फिर केमिकल्स वाले, हमारे जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो फिर इस्तेमाल होती हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. सो इसीलिए एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन आज आपको ला रहे हैं आपके सामने, जिससे कि आपके सर पे खुजली का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, ठीक है. सो ये हेयर ऑयल आपके सामने पेश है, ये उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिकेशन है आपके सर पे अगर खुजली हो रही है उसके लिए. सो क्यों ये मेडिकेशन है, क्या हिसाब किताब है, आज आपको समझाएंगे. एक दवा है ये आयुर्वेदिक, अगर खासकर आपके सर पे खुजली है या किसी प्रकार की सर में बीमारी है, ये बीमारी का इलाज है. और क्यों है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे हम, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. पहली चीज़ तो यह है कि एक सेफ टाइप प्रोडक्ट है, पैराबिन फ्री है, टोटली वेगन है, 8 नेचुरल हर्ब्स से बना हुआ है, और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे. आपने सुनो होगा भाई, बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनका हेयर के लिए बेनिफिट देखा गया है. ये पुराने ज़माने से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो किताबों में लिखा हुआ है, चरक, सुश्रुता, भृगु, इनकी की वो जो सेंट हैं, इनके आयुर्वेदिक महाज्ञानी लोग हैं, उन्होंने लिखा हुआ, उनके आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये बनाया गया है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिकेशन. सो ये अप्रूव्ड मेडिकेशन है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इस ऑयल के अंदर एक्सट्रैक्ट जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल, बड़ी प्योरीफाइड इस्तेमाल किए गए हैं. इसमें क्या क्या है, इसके अंदर आपको मिलेगा अश्वगंधा. अश्वगंधा आप जानते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी है, स्ट्रेस रिड्यूसिंग है, और इन्फ्लामेशन कम करता है, इन्फ्लामेशन खुजली कम करेगा. नीम है इसके अंदर, नीम अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, सो बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगस के खिलाफ एक्शन होता है. सो एलर्जीज और इन्फेक्शन दोनों पे ये ऑयल इफेक्ट करेगा. इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा रेड अनियन. रेड अनियन भैया आपने सुना होगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, और लाइस अगर हो, है ना, जुएं हो, उनको भी मारता है रेड अनियन ऑयल जो है, और कंडीशनर जैसा भी काम करता है, डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है. ऑल्दो ये सारे जो इफ़ेक्ट है मिला के, छोटे छोटे इफेक्ट मिला के बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है, लेकिन एक आयुर्वेदिक दवा है, राइट. अब इसके अलावा उसमें और क्या है, इसके अलावा इसमें भृंगराज है. भृंगराज बहुत ही बड़ा नाम है आयुर्वेदिक में, एक ड्रैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए, ड्राई स्काल्प के ट्रीटमेंट में भृंगराज एक डेंस ऑयल, बढ़िया सी चीज़ है, हेयर फॉल भी प्रिवेंट करता है और आपके हेयर ग्रोथ पे भी हेल्प करता है. तो ये भृंगराज, ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं. इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा रोजमेरी. रोजमेरी जो है ये हेयर फॉलिकल्स को, फॉलिकल्स को बचाता है. रोजमेरी हेयर फॉलिकल्स को बचाता है, तो हेयर फॉल होने से रोकेगा, राइट. सो फॉलिकल के केयर, कंडीशनिंग के लिए, और इवन डैंड्रफ में भी ये हेल्प करता है, और ड्राइनेस भी कम करता है रोजमेरी. इसके अलावा है बहेड़ा. बहेड़ा भी हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ में काम करता है, और एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर, ठीक है. उसमें एक ड्राई प्रॉपर्टी है, और एक इट कैन एक्चुअली, ये क्या करता है, एक्सेस ऑयल निकालता है,
तो एक तरफ अगर ये बहेड़ा जैसा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने दूसरे ऑयल्स डाले हैं जो ड्राइनेस ट्रीट करते हैं। दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके बनाई हैं उस प्रिंसिपल से कि साथ में दोगे तो फ़ायदेमंद होगा, ट्रीट होगा, ठीक है। और साथ ही इसमें आंवला, आंवला बालों की जड़ों को, बालों के लस्टर को, उसको जड़ों को स्ट्रेंथन करता है, हेयर को लस्टर यानी कि शाइन देता है। तो बढ़िया सा एक हेयर ऑयल बनाया है इन्होंने जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मिला के इसके जो छोटे 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 इफ़ेक्ट्स हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी लाइस, एंटी डैंड्रफ, एंटी ड्राई है, ड्राइनेस, आपके बालों की खुजली और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हेयर ऑयल अगर आप को खासकर खुजली है तो एज अ ट्रीटमेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा है ये, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, ट्राई करिए, आपको फ़ायदा होगा इससे। एक और बात, एज यूजुअल हम इसका भी गिव अवे कर रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने उस्तरा और डॉक्टर एजुकेशन के इंस्टाग्राम हैंडल्स को आपने फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे हम इस पर एक पोस्ट देंगे, उस पोस्ट को आपने लाइक करके आगे शेयर करना है, 5 लोगों को टैग करते हुए कमेंट करना है कि आपको ये क्यों चाहिए। तो उसमें से लकी विनर्स चुने जाएंगे और उन 4-5 लोगों को मैं खुद कॉन्टैक्ट करूँगा ऑन DM इंस्टाग्राम, उनका एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके उनको ये भेजे जाएंगे। सो, अच्छा प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करिए। अगर आपको खुजली है डू ट्राई एंड लेट मी नो कितना अच्छा इफेक्ट है इसका। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।